हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, लिंक्डइन के बारे में तो हम सभी जानते हैं। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर हम अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर हम फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, यहाँ पर हम वर्ल्ड के टॉप प्रोफेशनलिस्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, सीईओ से कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी लिंक्डइन एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर वर्ल्ड के टॉप कोर्सेज आपको ऑनलाइन करने के लिए ये लिंक्डइन प्लेटफॉर्म देता है। यहाँ पर आप 16,000 से भी ज्यादा कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री में। आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। लिंक्डइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही आपको प्रोवाइड करेगा सर्टिफिकेट। तो गाइज, मैंने यहाँ पे आज सुबह एक कोर्स के लिए एनरोलमेंट किया था। पाइथन का कोर्स था, 2 घंटे का कोर्स था। तो उसको करने के बाद मुझे लिंक्डइन ने एक क्या दिया है, सर्टिफिकेट दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं कि 25 मई को मैंने ये, आज 25 मई है, तो 25 मई को मैंने यहाँ पे ये कोर्स किया था और 2 घंटे का ये कोर्स था। उसके कंप्लीट करने के बाद मुझे ये कोर्स लिंक्डइन ने दे दिया है, मुझे ऑनलाइन मेरी मेल पे आ गया है और मेरी प्रोफाइल में वो ऐड हो गया है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी किस तरीके से यहाँ पे अपने हिसाब से कोर्स को चूज कर सकते हो, उसको इनरोल कर सकते हो, उसमें सर्टिफिकेट हासिल ले कर सकते हो, ताकि आप अपने रिज्यूमे में आप जॉब के लिए जाओ तो उसको एडिशनल वो बेनिफिट आपके लिए हो जाएगा। तो गाइज, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी प्रोफाइल पर, जहां पर मैंने प्रोफाइल बनाई हुई थी। अब मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइज, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि लिंक्डइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ये एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का। तो गाइज, ये इस पर किस तरीके से आप लॉगिन करोगे, यहां पर मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि मैंने किस तरीके से यहां पर एनरोलमेंट किया था। तो गाइज, जब मैं अपने कोर्स में जाता हूँ, अपनी प्रोफाइल में जाता हूँ और लर्निंग हिस्ट्री में जाता हूँ, तो लर्निंग हिस्ट्री में मैंने ये कम्प्लीटेड किया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी ये कम्प्लीटेड है 25 मई का। और जब मैं इस कोर्स पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे इस कोर्स की डिटेल के बारे में बता देता हूँ। तो भाई, जब हम इंट्रोडक्शन पर क्लिक करते हैं किसी भी कोर्स के, तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट दिखेंगे, टॉपिक दिखेंगे, इनको कम्प्लीट करना होगा, इनके वीडियो लेक्चर्स होंगी। तो भाई, जैसे ही आप कम्प्लीट करोगे तो आपको यहाँ पे ग्रीन चेक आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ये आपको ग्रीन चेक नहीं मिलता है तो वो इनकम्प्लीट होगा। तो आपको किसी भी हाल में ग्रीन चेक लेना ही होगा, मतलब कंप्लीट करना ही होगा, उस वीडियो लेक्चर्स को आपको देखना ही होगा, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे कोर्स कंप्लीट होने के बाद में ये ग्रीन आपको साइन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप अपने देखिए किसी भी कोर्स को ये क्या करते हैं, लेसन्स में बांटते हैं, स्टेप्स में बांटते हैं। तो यहाँ पे 5 स्टेप्स मैंने कंप्लीट किए थे और इन स्टेप्स के अंदर यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स डिवाइड किए हैं। हर टॉपिक पे हर यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स हमें प्रोवाइड किए हैं, मैंने इसको देखा है। ठीक इसी तरीके से जब आप किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे लास्ट में जो होता है क्वेश्चन आंसरिंग का होता है। तो आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपने कितना सीखा है। उसके बाद में यहाँ पे जब आप कंप्लीट कर दोगे उसको, क्वेश्चन आंसरिंग वाले चैप्टर क्विज को, तो आपको क्या मिलेगा, ग्रीन चेक मिलेगा। ठीक इसी तरीके से जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे, मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया ऑलरेडी, कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको छोटा किया है। तो जब आप कंप्लीट कर लोगे तो गाइज यहाँ पे सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, जब आप सी ऑल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन आपको दिखेगा। तो गाइज ये तभी इनेबल होगा जब आप ये सारे के सारे ग्रीन चेक हासिल कर लोगे, ग्रीन चेक कर लोगे, तो आपको तभी ये डाउनलोड बटन इनेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो गाइज ये तो क्लियर हो गया कि किस तरीके से मैंने ये एनरोलमेंट किया था। तो गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे कोर्स में एनरोलमेंट करोगे और क्या क्या कोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है लिंक्डइन। तो गाइस, जब आप लिंक्डइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जाओगे, तो गाइस जब आप यहाँ पे ब्राउज करोगे तो लिंक्डइन ने अपने कोर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो बिजनेस की, एक क्रिएटिव की और एक टेक्नोलॉजी की। तो गाइस बिजनेस में सारे के सारे कोर्सेज आपके आ जाते हैं, सी ऑल करोगे तो ये एक्सप्लोर हो जाएंगे और ज्यादा, जैसे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में गूगल एनालिटिक्स है, लिंक्डइन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिकम ए मैनेजर, बिकम एन एसईओ एक्सपर्ट, तो इस तरीके के यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड कोर्स है, चाहे वो डेटा एनालिसिस का हो, क्लाउड कंप्यूटिंग का हो, और अगर आपको यहाँ पे, और इसी तरीके से यहाँ पे आता है क्रिएटिव, क्रिएटिव में डिजाइनिंग पार्ट है, वीडियो एडिटिंग पार्ट है, तो इस तरीके की ग्राफिक, इलस्ट्रेटर, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो गाइस ये सारे कोर्स मतलब लिंक्डइन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको इनरोल कर लेना, मैं आपके आगे प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इनरोल करोगे। तो टेक्नोलॉजी में भी ठीक इसी तरीके से, चाहे वो वेब डेवलपमेंट का हो, ऐप डेवलपमेंट का हो, लैंग्वेजेस हो आपकी, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो, किसी भी
इसी तरीके का डेवलपमेंट पार्ट है, टेक्नोलॉजी पार्ट है, आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाओगे। अगर बाय चांस किसी वजह से आपको यहाँ पे कोर्स अपना शो नहीं होता है तो आपको क्या करना है, इसी प्लेटफॉर्म पर आपको सर्च करना है अपना कोर्स, जो भी आप कोर्स सर्च करना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ SEO, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे SEO लिखा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं लिखा है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे कोर्स की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी SEO के जितने भी कोर्स हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्स है 47, लेफ्ट साइड में ये थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे SEO का ब्रीफ आ गया है कि कितने सारे कोर्सेज है, कितनी वीडियोज है, ये सब आप ब्रीफ में यहाँ पे देख सकते हैं। बिगनर लेवल की यहाँ पे कितनी है, इंटरमीडिएट लेवल की कितनी, एडवांस लेवल की कितनी वीडियोज, कितने हमारे यहाँ पे कोर्स, यहाँ पे कोर्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, किन किन सॉफ्टवेयर का इस कोर्स में यूज हुआ है, तो ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स, बिजनेस, मार्केटिंग, सर्च इंजन, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो गाइस इस तरीके से आप अपने कोर्स को सर्च करके किसी पर भी, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ बिकम एन SEO एक्सपर्ट, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग पाथ हो जाएगा। यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे 11 घंटे का, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है SEO फंडामेंटल, 11 घंटे का ये पूरा का पूरा कोर्स है बिकम एन SEO एक्सपर्ट का। जैसे ही मैंने फर्स्ट मतलब कोर्स पे क्लिक किया है तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये अपने कोर्स दे देगा। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर से ठीक इसी तरीके से यहाँ पे प्रोसेस है, आप देख सकते हैं कि सेम प्रोसेस है, वही कंक्लूजन और वही इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई सा भी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे चैप्टर क्विज यहाँ पे 100% हो गया होगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग का आपको देना ही देना होगा। उसके बाद में जैसे ही आप कोई सा भी कोर्स कंप्लीट करोगे तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, आपकी प्रोफाइल में कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से इनरोल करना है, किस तरीके से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसकी प्रक्रिया मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो गाइज लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, वर्क पर यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे लर्निंग, तो यहाँ पे लर्निंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लर्निंग पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ये पेज दिखाई देगा। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्ट माय फ्री मंथ। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 16,000 फ्री एंड पेड कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट माय फ्री मंथ यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मंथली इसका प्राइस है 1400 रुपए पर मंथ और 1900 रुपए पर मंथ। तो गाइस यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 month फ्री ट्रायल। तो गाइस यहाँ पे 1 month फ्री ट्रायल आप समझ रहे हो कि कैंसिल एनी टाइम, मतलब आप यहाँ पे इनरोल कर लीजिए, उसके बाद में आप इसको कर सकते हैं कैंसिल कभी भी। तो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यहाँ पे लिंक कर देना है, मतलब तो गाइज यहाँ पे आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है फ्री में, आप कैंसिल कभी भी कर सकते हैं, 1 महीने से पहले पहले आपको कैंसिल कर देना है, ठीक है। 7 दिन से पहले पहले आपको ये इन्फॉर्म कर देगा जब आपका एक्सपायर हो रहा होगा। तो गाइज यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कार्ड किस तरीके से आप रिमूव करेंगे ये प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज जैसे ही आप प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका प्रीमियर टैग बना हुआ आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे जाना है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सेटिंग पर जाना है। तो जैसे ही आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सेटिंग पर जाओगे तो यहाँ पे आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कौन कौन सा आपने प्लान लिया हुआ है। तो गाइज जैसे ही आप इस पेज पर आओगे तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है और आपको जाना है मैनेज प्रीमियर अकाउंट में। तो गाइज यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कैंसिल सब्सक्रिप्शन। तो जैसे ही आप कैंसिल सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंसिल एंड लॉस क्रेडिट, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो लॉस क्रेडिट का मतलब है कि जो आपके पास सर्टिफिकेट आ गया है तो आपको वो, तो आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा ही, उसका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो आपने फ्री मंथ ट्रायल में खरीदा है। तो आपको गाइस यहाँ पे कुछ रीजन पूछेगा कि आप क्यों सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको इनमें कुछ वैलिड लग रहा है तो आप यहाँ पे चेक इन कर दीजिए, अदरवाइज अदर पर क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म कैंसिलेशन कर देना है। तो गाइस इस तरीके से आपका जो कार्ड है, आपकी जो बिलिंग डिटेल है वो यहाँ से हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डन कर सकते हैं, ओके। तो गाइस साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, यहाँ पर जब आप प्रीमियर सब्सक्रिप्शन सेटिंग में जाएंगे और प्रोफाइल सेटिंग में जाने के बाद में आप यहां पे देख रहे हैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन, तो यहां पे मैनेज पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैनेज पेमेंट मेथड पे आप क्लिक करोगे तो यहां पे जो आपने कार्ड ऐड किया हुआ है यहां पे इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे ही आप यहां पे क्रॉस पे क्लिक करोगे तो
तो भाई इस तरीके से आप अपने कार्ड कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि दिस पेमेंट मेथड विल बी डिलीटेड व्हेन द सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्स ऑन June 25। तो मैंने यहाँ पे 25 मई को इनरोल किया था और 25 जून को मेरा एक्सपायर हो जाएगा। तो गाइस जैसे ही एक्सपायर हो जाएगा तो यहाँ पे पेमेंट का जो कार्ड की डिटेल है वो भी यहाँ से हट जाएगी। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे कि लिंक्डइन से आप किस तरीके से डिजिटल लर्निंग कोर्सेज कर सकते हैं, आप किस तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही साथ अपने कॉन्टेक्ट को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लिंक्डइन के कोर्सेज अवेल कर सके, ले सके। तो गाइज मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।